दोस्तों आज है संडे और हम आपके लिए लेकर आए हैं पूरे 125 क्वेश्चन का सेट। ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन है, तो आप लोग सॉल्व करेंगे तो निश्चित ही आप लोगों को बहुत ही फायदा होगा। जिन लोगों को इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही है तो परेशान बिल्कुल मत होइए, हम साथ साथ हिंदी में भी बताते जाएंगे। और आज लास्ट में सब लोग बताइएगा कि आपके 125 में कितने क्वेश्चन के आंसर सही हुए, तो सभी लोग लास्ट में जरूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बेलाना ग्लोसस इज कॉमनली नोन एज। बेलाना ग्लोसस को सामान्यतः कहा जाता है स्नेक वॉर्म, एकॉर्न वॉर्म, कॉर्न वॉर्म, अर्थ वॉर्म। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो सभी कर लिए होंगे, इसका आंसर होगा बी, एकॉर्न वॉर्म। इसके अलावा एक और आप याद कर लीजिए, इसको एकॉर्न वॉर्म अथवा टंग वॉर्म भी कहा जाता है, तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज अ लिंक बिटवीन कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट। इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म कॉर्डेट एंड नॉन कॉर्डेट के बीच की कड़ी है? हर्डमानिया, बेलाना ग्लोसस, एम्फियोक्सस, फेरेटिमा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो सभी कर लिए होंगे, इसका आंसर होगा बी, बेलाना ग्लोसस। इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से देख लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जेनेरा प्लांटेरम वाज रिटन बाय। जेनेरा प्लांटेरम इनमें से किसके द्वारा लिखी गई? लिनियस, हचिंसन, बेंथम एंड हुकर, नन ऑफ दीज। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा सी, बेंथम एंड हुकर द्वारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच सेल्स प्रोड्यूस गैस्ट्रिक एंजाइम्स। इनमें से कौन सी सेल गैस्ट्रिक एंजाइम प्रोड्यूस करती हैं? अल्फा सेल्स, ऑक्सिंटिक सेल्स, चीप सेल्स, नन ऑफ दीज। तो सभी कर लिए होंगे, इसका आंसर होगा सी, चीप सेल्स। और आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ऑक्सिंटिक सेल क्या प्रोड्यूस करती हैं, इसे आप जरूर बताइएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कैलोरिक वैल्यू इज मैक्सिमम इन। इनमें से किसकी कैलोरिक वैल्यू सबसे अधिक होती है? फैट, विटामिन, प्रोटीन, शुगर। तो इसका आंसर होगा पहला, फैट की। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रूसिलोम इन हर्ड मेनिया इज ग्रेटली रिड्यूस ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ। इनमें से किसके डेवलपमेंट के कारण हार्डमेनिया का जो प्रूसिलोम होता है वह रिड्यूस हो जाता है? बॉडी वॉल, इंटेस्टाइन, एट्रियम, मिजेंट्रीज। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा एट्रियम के डेवलपमेंट के कारण। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इंटेस्टाइन इन हर्ड मेनिया इज। हर्ड मेनिया में इंटेस्टाइन होती है यू शेप, वी शेप, सी शेप, एल शेप। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो सभी कर लिए होंगे, इसका आंसर होगा ए, यू शेप। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पेयर्स पैचेज फाउंड इन स्मॉल इंटेस्टाइन आर। स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल में जो पेयर्स पैचेज होते हैं वह होते हैं लिम्फैटिक टिश्यू, ग्लैंडुलर टिश्यू, इपिथेलियल टिश्यू, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा लिम्फैटिक टिश्यू, और वह लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गाल ब्लैडर इज स्टिमुलेटेड बाय। सिक्रेटिन, एंड्रोगेस्ट्रॉन, एंट्रोकाइनेज, कोलेसिस्ट्रोकाइनिन। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा डी, कोलेसिस्ट्रोकाइनिन द्वारा। यह हार्मोन कहाँ से सिक्रीट होता है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन से सिक्रीट होता है, जो गाल ब्लैडर को स्टिमुलेट करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर वाज प्रपोज्ड बाय, द्वि नाम पद्धति का प्रतिपादन किया गया किसके द्वारा? कैरोलस लिनियस, डार्विन, लैमार्क, नन ऑफ दीज। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा ए, कैरोलस लिनियस द्वारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एट्रियम इन ब्रांकियोस्टोमा इज फॉर्म बाई, ब्रांकियोस्टोमा में एट्रियम फॉर्म होता है किसके द्वारा? फोल्डिंग ऑफ एंडोडर्म, फोल्डिंग ऑफ मेसोडर्म, फोल्डिंग ऑफ एक्टोडर्म, अपीयर ऑफ मेटाप्लूरल फोल्ड्स। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आंसर आप कर लिए होंगे, इसका आंसर होगा डी, अपीयर ऑफ मेटाप्लूरल फोल्ड्स के द्वारा ब्रांकियोस्टोमा में एट्रियम फॉर्म होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हील ऑर्गन इज अ पार्ट ऑफ माउथ, ओरल हुड, वेलम, फेरिंग्स। तो आपको बताना है कि एम्फियोक्सस में व्हील ऑर्गन किसका पार्ट होता है? तो इसका आंसर होगा बी, ओरल हुड। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द थर्मोरिसेप्टर इन ब्रांकियोस्टोमा इज, इनमें से कौन एम्फियोक्सस में एक्ट एज अ थर्मोरिसेप्टर? आई स्पॉट्स, सिफेलिक पिगमेंट्स, इनफंडिबुलर ऑर्गन, कोलिकस पिट। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा बी, सिफेलिक पिगमेंट्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सलाइवरी ग्लैंड्स आर एब्सेंट इन, सलाइवरी ग्लैंड इनमें से किसमें अनुपस्थित होती है? एनाफिलीज, ब्लेटा ओरिएंटेलिस, मस्का डोमेस्टिका, राना हेक्सा डेक्टाइला। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा डी, राना हेक्सा डेक्टाइला में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ विटामिन ए, इनमें से कौन विटामिन ए का सोर्स नहीं है? कैरेट, मैंगो, एप्पल, ईस्ट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सभी कर लिए होंगे, इसका आंसर होगा डी, ईस्ट सोर्स नहीं है, बाकी ये सारे विटामिन ए के सोर्स हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन सिफेलोकॉर्डेट्स, सिफेलोकॉर्डेट्स के रिस्पेक्ट में जो सही हो वो आपको बताना है। तो अच्छे से आप ऑप्शन पढ़ लीजिए, फिर इसका सही आंसर चूज कीजिए। तो आपने आंसर कर लिया होगा, इसका आंसर होगा ए, सेक्सेस आर सेपरेट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, द पोस्ट एनल टेल इज प्रेजेंट इन, पोस्ट एनल टेल उपस्थित होती है किसमें? हेमिकॉर्डेट्स में, यूरोकॉर्डेट्स में, सिफेलोकॉर्डेट्स में, आल प्रोटोकॉर्डेट्स में। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो सभी कर लिए होंगे, इसका आंसर होगा सी, सिफेलोकॉर्डेट्स में पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होती है, बाकी इनमें एब्सेंट होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक्चुअली डी वाला ऑप्शन इसलिए गलत हो गया क्योंकि यहाँ पर लगाया है ऑल प्रोटोकॉर्डेट्स, ये तीनों प्रोटोकॉर्डेट्स के ही सब डिवीजन है। तो यहाँ पर हेमिकॉर्डेट और यूरोकॉर्डेट में तो एब्सेंट होती, परंतु सिफेलोकॉर्डेट्स में प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर जो लगा दिया है कि सभी प्रोटोकॉर्डेट्स में, इस वजह से ये वाला डी वाला ऑप्शन गलत हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इज प्रेजेंट इन, तो इनमें बताना है किसमें ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम उपस्थित होता है? आल प्रोटोकॉर्डेट्स, यूरोकॉर्डेट्स, हेमिकॉर्डेट्स, सिफेलोकॉर्डेट। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा डी, सिफेलोकॉर्डेटा में ऑटोनॉमिक सिस्टम पाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज, बेंथम एंड हुकर द्वारा जो क्लासिफिकेशन दिया गया है वह है नेचुरल सिस्टम, फाइलोजेनेटिक सिस्टम, आर्टिफिशियल सिस्टम, नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर होगा ए, नेचुरल सिस्टम, ए वाला ऑप्शन सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रानीखेत डिसीज इज एसोसिएटेड विद, रानीखेत बीमारी संबंधित है मुर्गी पालन से, मधुमक्खी पालन से, रेशम कीट से, मवेशियों से। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर सभी कर लिए होंगे, इसका आंसर होगा ए, पोल्ट्री यानी मुर्गी पालन से। मधुमक्खी से संबंधित नहीं है, रेशम कीट से संबंधित नहीं है, मवेशियों से भी संबंधित नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेकेड वायरस आर, नग्न विषाणु हैं प्रियॉन्स, वायरॉइड, फेज वायरस, नन ऑफ दीज। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो सभी कर लिए होंगे, इसका आंसर होगा बी, वायरॉइड्स। तो आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द टर्म वर्टिब्रेटा इज सिनोनिमस टू क्रैनिएटा, कॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, प्रोटोकॉर्डेटा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सभी कर लिए होंगे, इसका आंसर होगा ए, क्रैनिएटा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हार्ट इन वर्टिब्रेट इज, वर्टिब्रेट में हार्ट होता है डॉर्सल मस्कुलर, वेंट्रल स्केल्टल, वेंट्रल मस्कुलर, डॉर्सल स्केल्टल। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका सही आंसर होगा सी, वेंट्रल एंड मस्कुलर होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच पीरियड इज नोन एज द एज ऑफ फिशेज, किस पीरियड को एज ऑफ फिशेज कहते हैं? कैम्ब्रियन, ऑर्डोविसियन, सिलूरियन, डेवोनियन। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका सही आंसर होगा डी, डिओनियन पीरियड को इसे एज ऑफ फिशेज कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द फर्स्ट फॉसिल्स रिकॉर्ड्स ऑफ वर्टिब्रेट्स वर फाउंड इन द रॉक ऑफ, ऑर्डोविसियन, कैम्ब्रियन, जुरैसिक, डिवोनियन। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो सभी कर लिए होंगे, इसका आंसर होगा ए, ऑर्डोविसियन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बैक्टीरियोफेज इज जीवाणु भोजी है, अ बैक्टीरिया विच इन्फेक्ट वायरस, यानी एक जीवाणु जो विषाणु को संक्रमित करता है, अ वायरस विच इन्फेक्ट बैक्टीरिया, एक विषाणु है जो जीवाणु को संक्रमित करता है, अ बैक्टीरिया विच इन्फेक्ट एल्गी, एक जीवाणु है जो शैवाल को संक्रमित करता है, नन ऑफ दीज। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका सही आंसर होगा अ वायरस विच इन्फेक्ट बैक्टीरिया, बी वाला ऑप्शन सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्लांट वायरस विच हैज डीएनए इज, पादप विषाणु जिसमें डीएनए पाया जाता है वह है कॉलिमो वायरस, टोबैको मोजाइक वायरस, पोटैटो मोजाइक वायरस, पाउल्स वायरस। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका सही आंसर होगा ए, कॉलिमो वायरस जिसमें डीएनए पाया जाता है, और टीएमवी यानी टोबैको मोजाइक वायरस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, डाइजेशन वर्ड मीन्स, डाइजेशन वर्ड का मतलब है बर्निंग ऑफ फूड, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, हाइड्रोलिसिस ऑफ फूड,
ब्रेक डाउन ऑफ फूड। तो यह क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इज कंप्लीटेड इन, प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ पर कंप्लीट हो जाता है? स्टमक, डियोडेनम, इलियम। डियोडेनम एंड इलियम, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो सभी कर लिए होंगे, इसका आंसर होगा बी, डियोडेनम में। एंड डियोडेनम इज अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, साथ साथ में आप जरूर देखते जाइएगा कि आपने कितने क्वेश्चंस का आंसर सही किया है। कैस्पिड ऑफ वायरस इज मेड ऑफ, वायरस का कैस्पिड बना होता है किसका? सेल्यूलोज का, प्रोटीन का, म्यूकोप्रोटीन का, स्टार्च का? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बी, प्रोटीन का। बी वाला ऑप्शन सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, स्मॉल पॉक्स इज कास्ड बाई, चेचक होता है किसके कारण? ऑप्शन आपको दिए गए हैं, वेरियोला, कॉक्सिएला, एडीज, फ्रेंसेला। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा ए, वेरियोला। वेरियोला विषाणुओं के कारण चेचक होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच एरा इज नोन एज द एज ऑफ द रेप्टाइल, इनमें से कौन सा एरा एज ऑफ रेप्टाइल का है? ऑप्शन दिए गए हैं आपको, आर्कियोजोइक, प्रोटेरोजोइक, पैलियोजोइक, मिसोजोइक। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा डी, मिसोजोइक एरा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बॉडी ऑफ स्कॉलियोडॉन इज कवर्ड बाय, स्कॉलियोडॉन का बॉडी कवर्ड होता है किसके द्वारा? डर्मल प्लेट्स, साइक्लॉइड स्केल, टीनॉइड स्केल्स, प्लेकॉइड स्केल्स। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर होगा डी, प्लेकॉइड स्केल्स के द्वारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लीवर ऑफ डॉग फिश इज, डॉग फिश का लीवर होता है सिंगल लोब्ड, बाई लोब्ड, ट्राई लोब्ड, फोर लोब्ड। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका सही आंसर होगा बी, बाई लोब्ड होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द हार्ट इन फिशेज इज, फिशेज में हार्ट होता है कितने चैम्बर का? सिंगल चैम्बर्ड, टू चैम्बर्ड, थ्री चैम्बर्ड, फोर चैम्बर्ड। तो इसका सही आंसर होगा बी, टू चैम्बर्ड हार्ट होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम्बर्गर्स फेनामिना इज आल्सो नोन एज, हम्बर्गर्स फेनामिना को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं आपको, आप अच्छे से देख लीजिए फिर इसका सही आंसर चूज कीजिए। तो इसका आंसर होगा डी, क्लोराइड शिफ्ट। हम्बर्गर्स फिनामिनन इज आल्सो नोन एज क्लोराइड शिफ्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रिस्पायरेटरी सिस्टम इज डिराइव्ड फ्रॉम, एंडोडर्म, मिजोडर्म, एक्टोडर्म, नन ऑफ दीज। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका सही आंसर होगा एंडोडर्म, ए वाला ऑप्शन सही होगा। रिस्पायरेटरी सिस्टम डेवलप्स फ्रॉम एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व इज सिग्मोइड टाइप का, स्लोप, पैराबोला, स्ट्रेट लाइन। तो कैसा कर्व बनेगा आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा सिग्मोइड, द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व इज सिग्मोइड। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द वायरस पैरासिटाइजिंग द मेंबर्स ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी आर नोन एज, नीली हरी शैवाल पर परजीवी वायरस कहा जाता है? लेमडा फेज,
साइनोफेज, बैक्टीरियोफेज, कॉलीफेज, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका सही आंसर होगा बी, साइनोफेज कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्लाज्मिड दैट इम्पार्ट्स ड्रग्स रेजिस्टेंस इज कॉल्ड एज, प्लाज्मिड जो ड्रग प्रतिरोध उत्पन्न करता है कहलाता है, एफ फैक्टर, कॉल फैक्टर, टी आई फैक्टर, आर फैक्टर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा डी, आर फैक्टर कहलाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सिट्रस कैंकर डिसीज इज कॉज्ड बाय, सिट्रस कैंकर रोग उत्पन्न होता है किसके द्वारा? स्यूडोमोनास, जैंथोमोनास, बैसिलस, नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा जैंथोमोनास, बी वाला ऑप्शन सही होगा। सिट्रस कैंकर डिसीज जैंथोमोनास द्वारा उत्पन्न होता है, जो एक बैक्टीरियल डिसीज का एग्जाम्पल है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पाइन फिश इज द कॉमन नेम ऑफ, इनमें से किसका कॉमन नेम पाइन फिश है? तो यानी किसे कॉमनली पाइन फिश कहा जाता है आपको बताना है। हिप्पोकैम्पस, सिंगनेथस, एनाबस, रेमोरा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका सही आंसर होगा बी, सिंगनेथस को कॉमनली पाइन फिश भी कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। काउ फिश इज द कॉमन नेम ऑफ, काउ फिश किसका कॉमन नेम है? लोफियस, टेट्राडॉन, डियोडॉन, ऑस्ट्रेसियन। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा डी, काउ फिश इज द कॉमन नेम ऑफ ऑस्ट्रेसियन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वन हीमोग्लोबिन कैरीज हाउ मेनी मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, एक हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को कैरी करता है, ढोता है? 4, 2, 6, 8। तो इसका सही आंसर होगा 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को ढोता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राइज ऑफ ब्लड शुगर एबव नॉर्मल इज नोन एज, नॉर्मल से ऊपर जब ब्लड शुगर बढ़ता है तो उसे कहा जाता है, ग्लूकोज यूरिया, हाइपोग्लाइसेमिया, ग्लाइकोलिसिस, हाइपरग्लाइसेमिया। तो इसका सही आंसर होगा डी, हाइपरग्लाइसेमिया कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, रेट ऑफ हार्ट बीट इज हाईएस्ट इन, हार्ट बीट की रेट सबसे मैक्सिमम किस में होती है? वेल, एलिफेंट, माउस, मैन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा सी, माउस में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पीपीएलओ है यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, नाव सेल, प्लांट सेल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा बी, प्रोकैरियोटिक सेल, और यह सबसे छोटी कोशिका होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। माइकोप्लाज्मा बिलोंग्स टू विच किंगडम, माइकोप्लाज्मा किस जगत से संबंधित है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कर लिए होंगे आप, इसका सही आंसर होगा ए, मोनेरा जगत से, माइकोप्लाज्मा मोनेरा जगत से संबंधित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, इनमें से कौन सा रोग जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न होता है? ट्यूबरकुलोसिस, मीजल्स, स्मॉल पॉक्स, रेबीज। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका सही आंसर होगा ए, ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी। यह बैक्टीरिया से उत्पन्न होने वाला रोग है, बाकी ये सारे
वायरस से उत्पन्न होने वाले रोग हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, रॉड शेप बैक्टीरिया आर कॉल्ड, छड़ रूपी जीवाणु कहलाते हैं, कोकाई, बैसिलाई, स्पाइरिला, विब्रियो। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बी, बैसिलाई कहलाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बंडल ऑफ हिस इज फाउंड इन, बंडल ऑफ हिस पाए जाते हैं कहाँ? लीवर में, ब्रेन में, हार्ट में, मसल्स में। तो इसका सही आंसर होगा सी, हार्ट में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, टर्म इनॉमिनेट इज रिलेटेड विद नर्व आर्टरी स्केल्टन एंड आर्टरी, नन ऑफ द एबव। तो इसका सही आंसर होगा सी, स्केल्टन एंड आर्टरी। सी वाला ऑप्शन सही होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, द थर्ड आईलिड इन फ्रॉग इज कॉल्ड, पीनियल आई, अपर आईलिड, लोअर आईलिड, निक्टिटैटिंग मेम्ब्रेन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा डी, निक्टिटैटिंग मेम्ब्रेन कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सलाइवरी ग्लैंड इन फ्रॉग आर, फ्रॉग में सलाइवरी ग्लैंड होती हैं, अनुपस्थित होती हैं, वन पेयर होती हैं, टू पेयर होती हैं, थ्री पेयर होती हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही है? इसका आंसर होगा अनुपस्थित होती हैं, नो सलाइवरी ग्लैंड। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इडिबल फंगस, इनमें से कौन सा फंगस है जिसे खाया जाता है, इडिबल होता है? एगेरिकस, एस्कोबोलस, एल्ब्यूगो, पाइथियम। तो इसका सही आंसर होगा एगेरिकस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पक्सीनिया काजेज, पक्सीनिया से होता है रस्ट डिसीज, स्मट डिसीज, वाइल्ड डिसीज, नन ऑफ दीज। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका सही आंसर होगा ए, रस्ट डिसीज, पक्सीनिया काजेज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटेस्टाइनल हार्मोन इन फ्रॉग, इनमें से कौन फ्रॉग में इंटेस्टाइनल हार्मोन नहीं है? इंट्रोगैस्ट्रॉन, कोले साइटोकाइनिन, सिक्रेटिन, गैस्ट्रिन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा डी, गैस्ट्रिन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्नेक आर सेंसिटिव टू, स्नेक किसके प्रति संवेदनशील होते हैं? नॉइज मेड बाय बर्ड, अर्थबॉर्न वाइब्रेशंस, थंडर, एयरबॉर्न वाइब्रेशन। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका सही आंसर होगा बी, अर्थबॉर्न वाइब्रेशंस के प्रति स्नेक संवेदनशील होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेल वॉल ऑफ फंगल सेल इज मेड अप ऑफ, फंगल का जो सेल होता है वह सेल वॉल किसका बना होता है? लिग्निन, सुवेरिन, काइटिन, क्यूटिन। तो इसका सही आंसर होगा सी, काइटिन का, सेल वॉल फंगस का काइटिन का बनता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अ पर्सन हु इज नॉट टेकिंग फूड ऑफ बेवरेजेस विल हैव इन यूरिन लिटिल ग्लूकोज, लेस यूरिया, एक्सेस यूरिया, लिटिल फैट। तो इसका सही आंसर होगा बी, लेस यूरिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पेनिसिलिन इज ऑब्टेंड फ्रॉम, पेनिसिलिन इनमें से किसके द्वारा प्राप्त होती है? बैक्टीरिया, फंगस, एल्गी, लाइकेन। तो इसका सही आंसर होगा फंगस द्वारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स इज नोन एज, रेप्टाइल्स के स्टडी को कहा जाता है हर्पेंटोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी,
इकियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ए, हरपेंटोलॉजी। द स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स इज नोन एज हरपेंटोलॉजी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हार्ट इन क्रोकोडाइल्स इज, क्रोकोडाइल का हार्ट होता है कंप्लीटली फोर चैम्बर्ड, इनकम्प्लीटली फोर चैम्बर्ड, थ्री चैम्बर्ड, टू चैम्बर्ड। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका सही आंसर होगा कंप्लीटली फोर चैम्बर्ड। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच लीव्स द लीवर एंड मूव्स टूवर्ड्स किडनी। इनमें से कौन लीवर को छोड़कर किडनी की तरफ मूव करता है? अमोनिया, यूरिया, ग्लाइकोजन, बाइल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा बी, यूरिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, द स्नेक लिविंग इन डेजर्ट आर मेनली, डेजर्ट में पाए जाने वाले स्नेक मेनली होते हैं अमोनोटेलिक, अमीनोटेलिक, यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक। तो ऑप्शन आप ध्यान से देखिए और फिर इसका सही आंसर चूज कीजिए। इसका सही आंसर होगा डी, यूरिकोटेलिक होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फेनामिनन ऑफ ट्रिपल फ्यूजन इज रिपोर्टेड फ्रॉम, त्रिसमेकन की प्रक्रिया पाई जाती है किसमें? क्लेमाइडोमोनास में, उडोगोनियम में, फ्यूकस में, पैडिना में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बी, उडोगोनियम में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अथैलस ऑफ वॉलवॉक्स इज कॉल्ड एज, वॉलवॉक्स का थैलस कहलाता है सिनोसाइट, सिनोबियम, कॉलोनी, फिलामेंट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बी, सिनोबियम। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ बर्ड्स इज टर्म्ड एज ऑर्निथोलॉजी, ऊलॉजी, हरपेंटोलॉजी, इकियोलॉजी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका सही आंसर होगा ए, ऑर्निथोलॉजी। द स्टडी ऑफ बर्ड्स इज नोन एज ऑर्निथोलॉजी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पिजन्स मिल्क इज मैन्युफैक्चर्ड इन, पिजन्स मिल्क बनता है क्रॉप में, इसोफेगस में, बकल कैविटी में, स्टमक में। तो इसका सही आंसर होगा ए, क्रॉप में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर अगर ऑप्टेंड फ्रॉम जेलिडियम, ग्रैसिलेरिया, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर होगा सी, बोथ ए एंड बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एल्गी, इनमें से कौन एक शैवाल है? एप्पल मॉस, आयरिस मॉस, क्लब मॉस, रेंडियर मॉस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बी, आयरिस मॉस। आयरिस मॉस एक शैवाल है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द कन्वर्जन ऑफ अ प्रोटीन बेस्ड अमोनिया इंटू यूरिया अकर्स इन किडनी, लंग्स, इंटेस्टाइन, लीवर। तो इसका सही आंसर होगा डी, लीवर में, यानी यकृत में। यूरिया का फॉर्मेशन यकृत में होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन रैबिट एंड ह्यूमन द किडनी इज, रैबिट एंड ह्यूमन में किडनी होती है मेटानेफ्रिक, मिजोनेफ्रिक, प्रोटो प्रोनेफ्रिक, होलोनेफ्रिक। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका सही आंसर होगा ए, मेटानेफ्रिक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, द फुट ऑफ बर्ड्स इज कवर्ड बाई इपिडर्मल स्केल्स, डर्मल स्केल्स, डर्मल प्लेट्स, फेदर्स। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका सही आंसर होगा ए, इपीडर्मल स्केल्स द्वारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
इन बर्ड्स गिजार्ड इज यूज्ड फॉर, बर्ड में गिजार्ड यूज होता है किसके लिए? च्यूइंग फूड, ग्राइंडिंग फूड, मिक्सिंग फूड, डाइजेस्टिंग फूड, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका सही आंसर होगा बी, ग्राइंडिंग फूड के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ब्रायोफाइट्स आर, ब्रायोफाइट्स होते हैं एक्वाटिक, टेरेस्ट्रियल, एम्फीबियस, नन ऑफ दीज, तो इसका सही आंसर होगा सी, एम्फीबियस होते हैं। इन्हें प्लांट किंगडम का उभयचर कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डिहिसेंस ऑफ मॉस कैप्सूल टेक्स प्लेस बाय द रप्चर ऑफ द फॉलोइंग, मॉस कैप्सूल का विसर्जन किसके फटने से होता है? अपरकुलम, पेरिस्टोम, एनुलस, कैलिप्ट्रा, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ए, अपरकुलम। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बिडर्स कैनाल इज फाउंड इन, बिडर्स कैनाल पाई जाती है टेस्टिस ऑफ फ्रॉग, किडनी ऑफ फ्रॉग, किडनी ऑफ रैबिट, बोथ ए एंड सी, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका सही आंसर होगा बी, किडनी ऑफ फ्रॉग में, फ्रॉग के किडनी में बिडर्स कैनाल पाई जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वेगस नर्व इज, वेगस नर्व है पैरासिंपेथेटिक नर्व, सिंपेथेटिक नर्व, 10वीं क्रेनियल नर्व, 5वीं क्रेनियल नर्व, तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका सही आंसर होगा सी, 10वीं क्रेनियल नर्व है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पेक्टिन इज एब्सेंट इन विच बर्ड, किस बर्ड में पेक्टिन एब्सेंट होता है? पिजन, पीकॉक, कीवी, क्रो, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सी, कीवी में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन बर्ड साउंड इज प्रोड्यूस बाय, बर्ड्स में साउंड उत्पन्न होता है किसके द्वारा? एयर सैक, ट्रैकिया, लैरिंग्स, सीरिंग्स, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका सही आंसर होगा सीरिंग्स द्वारा, डी वाला ऑप्शन सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मॉस स्पोर्स जर्मिनेट टू फॉर्म, मॉस के स्पोर अंकुरित होने पर क्या बनता है? एन्यूलस, थीका, पेरिस्टोम, प्रोटोनिमा, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा डी, प्रोटोनिमा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, रिटॉर्ट सेल्स आर फाउंड इन, रिटॉर्ट सेल्स पाई जाती हैं किसमें? पोरेला में, स्फैग्नम में, पोगोनेटम में, फ्यूनेरिया में, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बी, स्फैग्नम में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, द सेकेंड क्रेनियल नर्व इज, सेकेंड क्रेनियल नर्व है ऑप्टिक, ट्राइजेमाइनल, ऑल्फैक्ट्री, एड्यूसेंस, तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर होगा ए, ऑप्टिक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पैराथॉर्मोन काजेज हाइपर कैल्सीमिया, हाइपो कैल्सीमिया, हाइपर ग्लाइसेमिया, हाइपोग्लाइसेमिया, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ए, हाइपर कैल्सीमिया, ए वाला ऑप्शन सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द मेन प्लांट इज गैमिटोफाइटिन, युग्मकोद भिद मुख्य पौधा होता है किसका? ब्रायोफाइट का, टेडोफाइट का, जिम्नोस्पर्म का, एंजियोस्पर्म का, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ए, ब्रायोफाइटा का, ब्रायोफाइटा में युग्मकोद्भिद मुख्य पौधा होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय जेमा, इनमें से किसमें अलैंगिक प्रजनन जेमा द्वारा होता है? रिक्सिया,
मार्केंसिया, फ्यूनेरिया, पोगोनैटम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बी, मार्केंसिया में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हार्मोन टर्म वाज कॉइन्ड बाय, हार्मोन शब्द प्रतिपादित किया गया किसके द्वारा? ऑप्शन आप अच्छे से देख लीजिए, फिर इसका सही आंसर चूज कीजिए। इसका सही आंसर होगा ए, ई एच स्टार्लिंग द्वारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच इज नॉट अ स्टेरॉइड हार्मोन, इनमें से कौन स्टेरॉइड हार्मोन नहीं है आपको बताना है। एल्डोस्टेरॉन, एंड्रोजन, एस्ट्रोजन, थायरोक्सिन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा डी, थायरोक्सिन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द बेसल इलेक्ट्रोफोर आर प्रेजेंट इन, आधारीय इलेक्ट्रोफोर उपस्थित होते हैं किसमें? एंथोसिरोस में, पेलिया में, रिक्सिया में, मार्गेंसिया में। तो इसका सही आंसर होगा बी, पेलिया में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच इज नोन एज फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी, इनमें से किन्हें फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी कहा जाता है? आर एच विटेकर, पाश्चर, एंथोवेन, थॉमस एडिसन। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा डी, थॉमस एडिसन को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिवर्सल ब्लड डोनर, इनमें से कौन सर्वदाता ब्लड ग्रुप है आपको बताना है। ओ बी ए बी ए। तो कौन सा ऑप्शन सही है? इसका सही आंसर होगा ए, ब्लड ग्रुप ओ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ए बी ओ ब्लड ग्रुप्स वर डिस्कवर्ड बाय किसके द्वारा खोजा गया? डार्विन, लैंडस्टीनर, हग्जले, हार्वे। तो इसका सही आंसर होगा बी, लैंडस्टीनर द्वारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अ चाइल्ड विद एन आईक्यू ऑफ 140 बिलोंग्स टू द कैटेगरी, एक बच्चा जिसका आईक्यू 140 है वह बिलोंग करता है किस कैटेगरी से बिलोंग करेगा? जीनियस, मोस्ट सुपीरियर, एवरेज सुपीरियर। तो इसका सही आंसर होगा जीनियस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज प्रेजेंट इन, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पाया जाता है किसमें? वेलिस्नेरिया में, पिस्टिया में, ड्रोसेरा में, ओपंशिया में। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका सही आंसर होगा सी, ड्रोसेरा में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, द फंक्शन ऑफ एमाइलोप्लास्ट इज टू एब्जॉर्ब वाटर, एब्जॉर्ब लाइट, स्टोर फैट्स, स्टोर स्टार्च। तो यह क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। F1 पार्टिकल्स आर फाउंड इन, F1 पार्टिकल्स पाए जाते हैं, ऑप्शन आपको दिए गए हैं, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गॉल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया में, बी वाला ऑप्शन सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पार्शियल पैरासाइट इज डिपेंडेंट अपॉन द होस्ट फॉर सपोर्ट, फूड एट टाइम्स, वाटर, वाटर एंड मिनरल्स। तो इसका सही आंसर होगा डी, वाटर एंड मिनरल्स के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, लॉन्गेस्ट प्लांट्स ऑफ वर्ल्ड मोस्टली बिलोंग्स टू, जिम्नोस्पर्म, मोनोकॉट्स, डाइकॉट्स, ट्री फर्न्स। तो इसका आंसर होगा सी, डाइकॉट से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन अकर्स इन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन की क्रिया कहाँ पर होती है? साइटोप्लाज्म में, राइबोसोम्स में, माइटोकॉन्ड्रिया में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में? तो इसका सही आंसर होगा सी, माइटोकॉन्ड्रिया में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल इन अ सेल। इनमें से आपको बताना है कि कौन एक लघुतम कोशिकांग है। लाइसोसोम, स्फेरोसोम, पराग्जीसोम, राइबोसोम। डी वाला आप कर लीजिए, राइबोसोम। इसका सही आंसर होगा डी, राइबोसोम। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एसेसरी बर्ड्स अकर एट, एसेसरी बर्ड्स पाई जाती हैं एट स्टेम टिप, ब्रांच टिप, लीफ एक्सिल, साइड ऑफ एक्सिलरी बर्ड्स। इसका सही आंसर होगा डी, साइड ऑफ एक्सिलरी बर्ड। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जिंगर मल्टीप्लाइज विजिटेटिवली बाई बट स्टेम ट्यूबर राइजोम। तो इसका सही आंसर होगा डी, बाई राइजोम। अगला क्वेश्चन, केमिकल नेचर ऑफ सिल्क इज, सिल्क का रासायनिक प्रकृति होती है प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, काइटिन। तो इसका सही आंसर होगा ए, प्रोटीन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, थ्री टाइप्स ऑफ फ्लावर्स अकर इन इनफ्लोरेसेंस ऑफ, कैपिटुलम, हाइपेंथोडियम, साइथियम, अम्बेल। तो इसका सही आंसर होगा बी, हाइपेंथोडियम। चलते हैं अगले क्वेश्चन, कैटकिन इज अ टाइप ऑफ फ्लावर इनफ्लोरेसेंस, फाइलोटैक्सी, प्लेसेंटेशन। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर होगा बी, इनफ्लोरेसेंस इज अ टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, विच इज कॉल्ड एज रिवर्स जेनेटिक्स अप्रोच, किसे व्युत्क्रम अनुवांशिकी अध्ययन कहते हैं? ऑप्शन आपको दिए गए हैं, फ्रॉम जीन टू एंजाइम, फ्रॉम डीएनए टू फिनोटाइप, फ्रॉम फिनोटाइप टू डीएनए, फ्रॉम आरएनए टू डीएनए। तो इसका सही आंसर होगा बी, फ्रॉम डीएनए टू फिनोटाइप। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज फाउंड इन, अपूर्ण प्रभाविता किसमें पाई जाती है? पी ड्रोसोफिला, मिराबिलिस जलापा, बोथ ए एंड बी। तो इसका सही आंसर होगा सी, मिराबिलिस जलापा। इन द लेग्यूम सीड फूड इज स्टोर्ड इन, कॉटिलीडन्स, एंडोस्पर्म, पेरिस्पर्म, सीड कोट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ए, कॉटिलीडन्स। फूड इज स्टोर्ड इन कॉटिलीडन्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इन ग्राउंड नट सीड आर, ग्राउंड नट सीड होते हैं, ग्राउंड नट में सीड होते हैं जियोकार्पिक, एम्फीकार्पिक, फोटोकार्पिक, एपिकार्पिक। तो इसका सही आंसर होगा ए, जियोकार्पिक। टी एच मॉर्गन कॉइन द टर्म, ऑप्शन आपको दिए गए हैं, माइटोसिस, मियोसिस, लिंकेज, नन ऑफ दीज। इसका आंसर होगा सी, लिंकेज। टी एच मॉर्गन ने लिंकेज शब्द दिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर क्रोमैटिन फॉर्मेशन, इनमें से कौन सा क्रोमैटिन निर्माण के लिए आवश्यक है? हिस्टामिन, ट्यूबुलिन, मायोसिन, हिस्टोन। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका सही आंसर होगा डी, हिस्टोन प्रोटीन।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शो एपोकार्पस कंडीशन। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप अच्छे से देख लीजिए फिर इसका सही आंसर चूज कीजिए। इसका सही आंसर होगा बी, रेनन कुलस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वीट फूड। एक्ने, सिप्सेला, करियोप्सिस, एंडोस्पर्म। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो आपने कर लिया होगा, इसका सही आंसर होगा सी, करियोप्सिस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एडनीन है पिरिमिडिन, प्यूरीन, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बी, प्यूरीन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच बेस ऑफ अ कोडॉन इज कॉल्ड ओबल बेस। एक कोडॉन का कौन सा क्षार ओबल क्षार कहलाता है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर होगा सी, थर्ड। सी वाला ऑप्शन सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, रेप्लम इज फाउंड इन द फैमिली। किस फैमिली में रेप्लम पाया जाता है? लैबिएटी, ब्रैसिकेसी, कंपोजिटी, कुकरबिटेसी। तो इसका सही आंसर होगा बी, ब्रैसिकेसी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट एडवांस्ड फ्रूट इज। सिप्सेला, करियोप्सिस, पोम, इटेरियो ऑफ ग्रुप। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका सही आंसर होगा डी, डी वाला ऑप्शन सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, हु प्रपोज द टर्म इकोसिस्टम। इकोसिस्टम शब्द किसने प्रपोज किया? ओडम, गार्डनर, वार्मिंग, टांसले। तो इसका सही आंसर होगा डी, टांसले। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन। ओजोन परत मौजूद है ट्रोपोस्फेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर में, लिथोस्फेयर में, मीजोस्फेयर में। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका सही आंसर होगा बी, स्ट्रेटोस्फेयर में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एंटी मैटेरियल ड्रग इज ऑब्टेंड फ्रॉम। एंटी मैटेरियल ड्रग प्राप्त की जाती है किससे? बार्क ऑफ सिंकोना, रूट ऑफ सिंकोना, वुड ऑफ सिंकोना, लीव्स ऑफ सिंकोना। तो इसका सही आंसर होगा ए, बार्क ऑफ सिंकोना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द फ्रूट ऑफ सोलेनेसी इज बेरी और कैप्सूल, पोम, लेग्यूम और पॉड, ड्रुप। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर होगा ए, बेरी और कैप्सूल। ए वाला ऑप्शन सही होगा। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ हेलोफाइट इज। हेलोफाइट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर आपको बताना है। एपोगैमी, विवीपैरी, हेट्रोस्पोरी, पार्थेनोकार्पी। तो इसका सही आंसर होगा बी, विवीपैरी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बैलानोफोरा इज। बैलानोफोरा है पार्शियल रूट पैरासाइट, टोटल रूट पैरासाइट, पार्शियल स्टेम पैरासाइट, टोटल स्टेम पैरासाइट। तो इसका सही आंसर होगा बी, टोटल रूट पैरासाइट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, लेडी फिंगर बिलोंग्स टू फैमिली। तो दोस्तों यह क्वेश्चन भी आपके लिए है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा और साथ में सभी लोग जरूर बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चंस का आंसर सही किया है और आपको क्वेश्चन कैसे लगे हैं इसे भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग माई वीडियो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।